अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, बट आज हम स्केचअप में देखेंगे कि स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अभी ये हमारे पास फाइनल आउटपुट है और इस मॉडल के ऊपर हमें स्टाइल्स को अप्लाई, ये डिफॉल्ट स्टाइल है और इसके ऊपर हमने एक और स्टाइल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम प्लस के साइन पे आते हैं। यहाँ पर न्यू क्रिएट न्यू स्टाइल, हमने न्यू स्टाइल किया, ये हमारे पास स्टाइल आ गया, इसका नाम हमने रख लिया न्यू, न्यू के नाम से हमने इसका नाम कर दिया। और अभी इसके हम अंदर एडिट में आ जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेटिंग है हमारे पास एज है, ये यहाँ पे अभी नजर आ रहे हैं। अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो ये देखें आपके इसके जितने भी एजेस हैं वो रिमूव हो गए हैं, हाइड हो गए हैं फिलहाल। और प्रोफाइल हमारे पास है, हम प्रोफाइल को भी अगर हम हाइड करते हैं तो ये देखें इसके एजेस वगैरह सारे हाइड हो गए हैं। तो अभी हमारे पास ये एक रेंडर इमेज की सूरत में आ रहा है सामने। हम इन दोनों को दोबारा चेक कर लेते हैं और इसके अंदर डेप्थ है, इसको भी है और एक्सटेंशन है और जिटर, मतलब अगर आप स्केची उसमें दिखाना चाह रहे हैं लुक में तो आप इनको सबको चेक कर सकते हैं। अब ये देखें इसके एजेस वगैरह ज्यादा डार्क हो गए हैं, हम इनको अनचेक कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास फेस सेटिंग है, हम फेस सेटिंग में आ जाते हैं। फेस सेटिंग में हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, हम वायर फ्रेम में भी दिखा सकते हैं इसकी ज्योमेट्री जो है। स्टार्ट में हम ये देखें, अभी ये देखें ये बिल्कुल लाइनिंग में आ रही है, वायर फ्रेम में आ रही है। और इसके बाद हिडन लाइन जो है अगर वो हमें दिखानी हो, ये देखें हिडन लाइन, इसकी बैक वाली जो लाइंस है वो हिडन है, वो नजर नहीं आ रही। और अब हम आते हैं शेडेड मोड में, तो यहाँ पर हमारे क्या है जितने भी शेड्स हैं इसके ऊपर ये सारे हमें नजर आ रहे हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी विद टेक्सचर, शेडेड विद टेक्सचर में, जो शेडेड था उसमें टेक्सचर नहीं था, उसमें जस्ट कलर थे और इसमें हम हमारे पास इसके टेक्सचर भी आएंगे। तो ये देखें इसकी जो वुडन टेक्सचर था वो भी आ गया साथ और ग्रास का टेक्सचर भी आ गया। तो ये है हमारे पास एक्सरे, एक्सरे मोड है, ये देखें। और अभी हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले विद शेडेड कर देते हैं। और अब हम आते हैं बैकग्राउंड सेटिंग पे, तो बैकग्राउंड सेटिंग में हम आते हैं तो इसको हम हटा देते हैं एक्सरे को यहां से। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड सेटिंग पे। बैकग्राउंड सेटिंग में क्या है, स्काई, हम स्काई का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड जो है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कर देते हैं इसको डार्कर कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये देखिए ग्राउंड का कलर हमने डार्क कर दिया और इसको हम करते हैं चेक, और जैसे हम चेक किया तो ये पीछे इसका कलर आ गया। और इसके साथ है हमारे पास वाटर मार्क, अगर आपने वाटर मार्क करना है, और या आगे फिर है हमारे पास मॉडलिंग सेटिंग। अगर इसमें हम आ जाते हैं, लेट्स सपोज कि आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया है और सिलेक्शन का आपको कोई कलर देना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। हिडन ज्योमेट्री है, आप उसको भी दिखा सकते हैं। हमने इसको चेक किया हिडन ज्योमेट्री को, और उसके साथ हमारे पास सेक्शन प्लेन है, हम सेक्शन प्लेन में कोई भी चीज अगर उसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हम इसको इसका कलर दे सकते हैं। ये देखें ये अभी हमारे पास फुल ग्रुप बना रहा है, हम इसको ग्रुप से हटा भी सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी स्टाइल अपने पास से अपने हिसाब से क्रिएट करके हम उसको उस ड्राइंग के ऊपर, उस मॉडल के ऊपर जो फाइनल है हमारे पास है उसके ऊपर अप्लाई करके हम डिफरेंट किस्म के आउटपुट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्टाइल्स को अपने हिसाब से कैसे क्रिएट करते हैं अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।